राजस्थान प्रेस क्लब के कार्यकारिणी सदस्य जितेंद्र सिंह राठौर द्वारा संपादित प्राइम टॉप कैलेंडर 2024 का विमोचन समारोह आरडी फाउंडेशन के चेयरमैन चेतन सिंह राठौर, राजस्थान सूचना केंद्र की जनसंपर्क अधिकारी रीतू सोढ़ी तथा प्रेस क्लब के संरक्षक जगदीश पुरोहित की उपस्थिति में होटल आदर्श पैलेस में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि चेतन सिंह राठौर ने कहा कि इस डिजिटल युग में आज भी कैलेंडरों की महत्वता है। उन्होंने उपस्थित पत्रकारों से कहा कि वे सेवा कार्यों को अपनी लेखनी के माध्यम से स्थान दे। जनसंपर्क अधिकारी रीतू सोढ़ी ने कहा कि राजस्थान सूचना केंद्र तथा राजस्थान प्रेस क्लब परस्पर सेतु का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान कला, संस्कृति, पर्यटन सभी क्षेत्रों में आज आगे है तथा निरंतर विकास की दिशा में अग्रसर है। राजस्थान प्रेस क्लब के संरक्षक जगदीश पुरोहित ने अपने वक्तव्य में कहा कि प्राइम टॉप के इस कैलेंडर ने आज भी हमारे घरों में दिनांक, तिथि के साथ साथ अन्य जानकारी प्रदान कर अपनी अपनी उपयोगिता बनाए रखी है। इस अवसर पर उपस्थित अतिथि तथा पत्रकारों को सम्मानित किया गया और मकर संक्रांति के पर्व पर परस्पर तिल गुड़ के लड्डू खिलाकर बधाई दी। बहुत अच्छी बात है कि ये कैलेंडर जैसे काम कोई करते नहीं है कि जब इंसान किसी को कहीं पैसा दिखता वही काम करते हैं। ये जितेंद्र जी हैं जो लगता है कि लोग टांग के रखेंगे और लोगों को काम होगा, तो इस तरह से इसमें टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस चीज़ में ध्यान दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आज राजस्थान प्रेस क्लब के सानिध्य में मेरा दूसरा कैलेंडर लॉन्च हुआ है, उसका नाम प्राइम टॉप है। और विशेष ये बड़ी बात है कि आदर्श ग्रुप के जगदीश जी और आज चीफ गेस्ट के तौर पर चेतन सिंह राठौर, आरडी ग्रुप, आरडी फाउंडेशन, जो बहुत बड़ा एक नाम है और राजस्थान में जन सेवा करते हैं, मोबाइल मार्केट में भी आरडी टेलीनेट प्राइवेट लिमिटेड का बहुत अच्छा नाम है। PRO आज राजस्थान गवर्नमेंट से यहाँ लगे हुए रितु जी सोढ़ी, उनका भी आज सानिध्य रहा और पत्रकारिता का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। और मेरा जो कैलेंडर है उसमें विक्रम संवत और जो सूचनाएं देनी चाहिए, जो आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो कैलेंडर लॉन्च हुआ है, हर एक लोग क्या करते हैं, एक तारीख को लॉन्च कर लेते हैं कैलेंडर और फिर क्या, एक तारीख को ज़्यादा लोग घर पे कैलेंडर देना चाहते हैं कि भाई एक तारीख आ गई है और आप कैलेंडर दे दो, तो क्या हर घर में 3-4 कैलेंडर हो जाते हैं और उस कैलेंडर की कदर नहीं रहती है और क्यों ना क्यों वो कैलेंडर उधर उधर पड़ा रहता है। और मैंने उस तारीख ऐसी फिक्स की जो कैलेंडर का महत्व समझे। आज वो कैलेंडर कम से कम हमने हज़ारों रुपये छापी है और जो हमारे कैलेंडर में सहयोग करते हैं उनमें भी वो कॉपी हम देते हैं, वो भी अपने परिवारजन को, अपने व्यापारी जगत में वो कैलेंडर दे सके। अलग ऐसी बात है, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग जानकारियाँ होती है, लोग कहते हैं मोबाइल में कैलेंडर है, घड़ी में कैलेंडर है, मगर प्रिंट कैलेंडर का हकीकत अलग ही है। जो सामने दिखता है, दूध का हिसाब हो, अपने शुभ संकेत का हिसाब हो, का संकेत हो, उस कैलेंडर में प्रिंट हो जाता है और अच्छे भावों से उस कैलेंडर को अपन अच्छा बुरा सब उसमें देखने को मिल जाता है। जिस तरह का आज प्रेस मीडिया क्लब में का सहयोग मिला है वो मेरे लिए बहुत लाभदायक है। और मैंने दो कैलेंडर, एक बुक लॉन्च की थी जो विधान भवन में लॉन्च की थी, महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे जी के हाथों से हुई थी और राहुल जी नार्वेकर के हाथों से हुई थी, जो मेरे लिए कम उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि मेरे लिए नहीं है, ये बहुत प्रेस क्लब के वरिष्ठ नागरिक है उनका भी सहयोग है जो मुझे हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा देते रहते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों का डिमोटिवेशन सामने भी आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। मैं अपने दिल का ही सुनता हूँ और दिल से ही काम करता हूँ, बस मुझे लगता है कि मुझे ये काम करना है, फिर आगे कुछ भी हो जाए वो काम करके ही रहता हूँ। इसलिए आप सभी का धन्यवाद तहे दिल से। कैलेंडर लॉन्च में आया जितेंद्र जी की, तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहिए? जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और आगे भी साथ में हम लोग जुड़े रहेंगे। जी, आप एक फिल्म निर्माता भी हैं और सुनने में आया कि आप एक तमिल फिल्म भी लेकर के आए। एक मैं बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट पे लेकर आ रहा हूँ, उनका नाम है मेरी, जो साउथ की फिल्में हैं और उस फिल्म की जो पटकथा जो भी है रंग है बहुत अच्छे हैं और उसका एक बहुत रियल घटना पे उस मूवी को मैं लेकर आ रहा हूँ क्योंकि 5 साल के बच्चे के साथ में बलात्कार करने के बाद उस बच्चे को मार दिया जाता है
उसी को मैं दिखाने का कोशिश किया हूँ कि एक गरीब महिलाएं जो चाय बगान में काम करने वाली होती है, ना पॉलिटिकल उनको साथ देती है ना ही पुलिस वाले साथ देती है, वो पांच महिलाएं कैसे बदला लेती है जो बलात्कारी होता है उसके साथ में, यही मैं दिखाने का कोशिश किया हूँ। उधर का रियल घटना है और मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को सब लोग ने देखें बनने के बाद में, और ये 2024 में मेरा ये बन के रेडी हो जाएगा और जब होगा तो खुद ही मीडिया के थ्रू आप लोगों के थ्रू पता चल ही जाएगा। जितेंद्र जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? और जितेंद्र जी बहुत अच्छे इंसान हैं और इनके साथ में मैं जुड़ के रहना चाहता हूँ, और हम लोग हमेशा चाहूँगा कि हमारे जितने भी प्रोग्राम में हो, जो जितना भी शूटिंग करूँ यहाँ से लेके साउथ से लेके राजस्थान तक, सब में ये हमारे साथ शामिल हो। ये पेशे से लेखक भी किताबें भी लिखते, क्या उनके किताब के ऊपर क्या हम फिल्म बनाना चाहेंगे? बिल्कुल बनाना चाहेंगे, जब एक अच्छी सब्जेक्ट हमारे पास आएंगे तो हम जरूर बनाना चाहेंगे। और जितेंद्र जी का मैं चाहूँगा कि मुझे अच्छी सब्जेक्ट चाहे जो गुजराती में भी हो, क्योंकि मैं गुजरात से नहीं हूँ, फिर भी मैं चाहूँगा कि मैं एक कला के क्षेत्र से हूँ, तो मैं चाहूँगा कि जितेंद्र जी एक अच्छी सब्जेक्ट मुझे दे जो गुजराती फिल्म भी बना के मैं पेश कर सकूँ। आप कहेंगे जितेंद्र जी आपकी दूसरी पुस्तक के लिए क्या कुछ? पुस्तक तैयारी पूरी चल रही है और नई पुस्तक आते ही ऐसा ही कोई कार्यक्रम होगा और आपके सानिध्य में कार्यक्रम होगा, और ऐसी बुक बनाना चाहेंगे जो लोगों से दिल कनेक्ट हो, मन से मन कनेक्ट हो, और ऐसा सुकून मिले कि कुछ ना कुछ पढ़ा है जीवन में तो कुछ ना कुछ भावुक हो। जिसका मन भावुक नहीं होता है ना, तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल है और ज़माना चलना मुश्किल है। जिसका कठोर दिल है वो कोई काम का नहीं है, भावुक हो जाओ और अच्छी सेवा करो। जय हिंद।